नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं नामांकन प्रक्रिया के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की। 12 अप्रैल के दिन नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और नामांकन प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। 12 अप्रैल के दिन तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। जिला मुख्यालय परिसर को पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिखाई दे रही है। जिला मुख्यालय को 3 द्वारों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले द्वार, दूसरे द्वार और तीसरे द्वार हैं। नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को आने जाने के लिए गेट नंबर 1 दिया गया है। वहीं जिला मुख्यालय पर कई सरकारी कार्यालय हैं। सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को जाने के लिए गेट नंबर 2 से अनुमति है। वहाँ भी सभी कर्मचारी अपना आई कार्ड दिखाएंगे। उसके बाद गेट नंबर 3 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गेट नंबर 1 पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए करेल क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह को लगाया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी करेल संतोष कुमार सिंह मुस्तैदी के साथ तैनात दिखाई दे रहे हैं। वहीं मीडिया सेंटर के पास सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी भोगांव सुनील कुमार को सौंपी गई थी। क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह भी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अपनी ड्यूटी को निभाते दिखाई दिए।